को मैंने बनाया है अपनी कुदरत से, आदम बने हैं, आदम बने हैं मट्टी से, का मैंने आदम को बनाया है तुराब से, मगर हुसैन वो है जिसे मैंने अपनी पूरी कुदरत से बनाया है। जब जिब्राइल चले, अब 1000 अब जितने मलाइका चले, कबाइल मलाइका 40 कबाइल चले, अब इतने सारे जब फरिश्ते चले, एक अरब मलाइका, परों की आवाज आने लगी। अब जब पतरस पड़ा था, अब वो परों की आवाज से देखने लगा और कहने लगा, ए जिब्राइल, क्या कयामत आ गई है? तो जिब्राइल ने कहा, कयामत नहीं आई, कयामत का मालिक आज अर्श से फर्श पे आ गया है। कहने लगा जिब्राइल, अब फितरुस कहने लगा कि इतने अंबिया आ गए, कभी तुम इस अंदाज से नहीं उतरे, आज ऐसी वजह क्या है? तो जिब्राइल ने भी ये जुमला कहा, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। अब वो कहने लगा, फितरुस कहने लगा, क्या मेरी माफी हो जाएगी? तो फौरन जिब्राइल ने कहा, बिल्कुल तुम्हारी माफी हो जाएगी, इसलिए कि हुसैन आया ही गुनाहगारों को बख्शवाने के लिए। अब काफला वो लेके जिब्राइल पूरा चला। अब जैसे ही आ गया इमाम हुसैन के घर पे, रसूल के पास सारे लोग आ गए। अब इमाम हुसैन की ज़ियारत हुई, सारे फरिश्ते आ गए। अब जैसे ही नबी के सामने पेश किया, तो नबी ने कहा, आज जिसके लिए आए हो उसी के पास ले जाओ। अब इमाम हुसैन के पास लेकर जाने लगे। इधर जैसे झूले के पास लेकर आए, इमाम हुसैन से मस करने लगे। नबी ने रोक दिया, कहा हुसैन से मस ना करना, झूले की लकड़ियों से मस करना। झूले की लकड़ियों से मस क्यों कराया? इमाम हुसैन से मस क्यों ना होने दिया? अगर इमाम हुसैन से मस करा के शिफा मिल जाती तो जमाना कहता जब तक हुसैन थे तब तक शिफा मिल रही थी। लोग कहते थे जब तक हुसैन थे तब तक शिफा मिल रही थी, इमाम हुसैन के झूले की लकड़ियों से शिफा बांट कर बतला दिया। अब जो भी चीज इमाम हुसैन से मंसूब हो जाए, हर वो चीज शिफा बांटती है। आलम हुसैन का हो, चाहे वो तबर्रुक हुसैन का हो, इन चीजों से मस होना हमारा काम है, शिफा देना हुसैन का काम। इमाम हुसैन से मंसूब हो जाए, हर वो चीज शिफा बांट रही है, चाहे वो तबर्रुक हुसैन का हो, नियाज हुसैन की हो। 72 के मुकाबले करबला में जो थे लाइन, शब्बीर की मजलिस में वो कभी आया नहीं करते, जिनके बड़े बड़ों ने माल खाया हो यजीद का, वो लंगरे हुसैन कभी खाया। जैसे फितरुस को शिफा मिल गई, जैसे ही शिफा मिली, अच्छा है फितरुस मुजरिम था अर्श का, माफी मिली है फर्श पे, अर्श का मुजरिम माफ हुआ है फर्श पे। अगर वाकिफ मुजरिम जहाँ का होता है वहीं की हुकूमत के पास इख्तियार है, वो उसे माफ कर दे। मुजरिम अर्श का माफी मिली है फर्श पे, और माफी दी भी मौला हुसैन ने है। तो फितरुस को मौला हुसैन ने माफी दिला के बतला दिया, अर्श पे भी हाकिम हुसैन है। और दूसरी बात ये बतला दी कि जिसको अल्लाह सजा देते हुसैन के सिवा कोई। पर वापस मिल गए, बाल मिल गए, फौरन उड़ने लगा। फिर कहने लगा, मिन मिसली, कौन है मुझ जैसा? फिर कहने लगा, कौन है मुझ जैसा? जिब्राइल ने कहा, अभी तुम्हारी माँ की कबूल, फिर वही जुर्म करे जा रहे हो, फिर वही जुर्म करे जा रहे हो। तो फितरुस ने कहा, पहले मेरे पास दावा था, अब दलील भी है। तो उसने दूसरी ये की, अल्लाह की कुदरत है, वो जो देता है वापस भी ले लेता है। उससे पहले अल्लाह ने दिया, उसने दिया और वापस ले लिया, अब मुझे मिला है हुसैन। यही जुमला एक मरतबा नबी ने कहा, और यही जुमला एक मरतबा जनाब मुस्लिम इब्न अमीर ने कहा। जंजीरों में जकड़े हुए थे, कैद में थे, जैसे दरबार में लाया गया, जख्मों से चूर थे, लोगों ने कहा कि इब्ने ज़ियाद को सलाम करो। जनाब मुस्लिम ने कहा, मेरा अमीर सिर्फ हुसैन है, हुसैन के सिवा मैं किसी को अपना अमीर नहीं मानता। इब्ने ज़ियाद ने कहा, इतने तुम पे जख्म आ गए, अब भी तुम अपना अमीर हुसैन को मानते हो? तो जनाब मुस्लिम कहते, इब्ने ज़ियाद, न पूछ मेरा हुसैन क्या है।
अब जनाबे मुस्लिम को जब लेके दारुल अमारा की छत में लेके गए, जैसे उनका शर्मा से कलम करने लगे, कलम शर्मा से करके फेंका गया, जनाबे मुस्लिम के दो बच्चे जो बिछड़ गए थे, बिछड़े हुए बच्चे जैसे इधर से उधर गए, किसी ने कैद में डाल दिया। जब कैद में रात हो गई, जो पहरा दे रहा था उसने पहरा देते देते जैसे पहरा दे रहा था दरबार के पास, जिंदान के पास पहरा दे रहा था, अंदर कैद में दो छोटे छोटे बच्चे उससे कहने लगे, ये बता तू मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानता है? कहने लगा हाँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे नबी हैं। कहा फिर तू अली मुर्तज़ा को भी जानता होगा? कहने लगा हाँ, वो मेरे मौला है। कहा फिर तू मुस्लिम इब्ने अकील को भी जानते होगे? कहने लगा हाँ, मुस्लिम हमारे अमीर से एक मरतबा कहने लगा, तुम ये पूछ क्यों रहे हो? कहने लगे कि हम उसी मुस्लिम के बेटे हैं, हम अली के नवासे हैं। इतना सुना तो पैर पकड़ के कहने लगा, मुझे माफ कर देना। दरवाजा जिंदान का खोल दिया, क्या तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। दोनों शहजादे वहां से बाहर आ गए। रात का अंधेरा था, एक किनारे आए, वहाँ पे दरख्त लगा था, नदी के किनारे थे, दरख्त लगा था, उस दरख्त पे दोनों शहजादे चढ़ गए। माँ से बिछड़े हुए हैं, बाप से बिछड़े हुए हैं, दरख्त पे सो रहे हैं। ऐसे आलम में नींद भी कहाँ आई होगी। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, एक औरत आई नहर के पास पानी भरने। जैसे ही पानी भरने आई, उसकी नजर दो चेहरों दो नूर पे पड़ी, ऐसा लगा इस चांद पे नजर पड़ी। ऐसे उसने जैसी बच्चों तुम हो कौन? कहने लगे दोनों बच्चे के किसी को ना बताना, वादा करो किसी को ना बताओ कि हम कौन है। कहने लगी कि नहीं बताऊंगी, तुम लोग हो कौन? कहने लगे कि हम मुस्लिम के बेटे हैं। कहने लगी कि तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ, वहां से मैं तुम्हें फिर मदीने भिजवा दूंगी, तुम्हारे वतन छुड़वा दूंगी। दोनों शहजादे ऊपर से उतर गए। अब लेके ये अपने घर आ गई, अपने घर पे लाके इसने खाना दिया, पानी दिया, एक कमरे में इनको कहा कि मैं तुम्हें जब से ढूंढ रहा हूँ और तुम मेरे ही घर में हो। दोनों को बालों से पकड़ा, बेचता हुआ तमाचे मारता हुआ लेकर आया, रातों रात तमाचे मारता रहा। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, नहर के पास लेकर आया, नहर के पास लाके अपने नौकर से कहा कि इसको कत्ल कर दो, इनके सर को कत्ल कर दो, इनके सर काट दो। उस नौकर ने तलवार लेके हाथ जोड़कर कहा, ये जुर्म मैं नहीं कर सकता, मैं नबी को क्या जवाब दूंगा? उसने उसी तलवार से अपने उस नौकर को मारा। उसके बाद दोनों शहजादों को सर तन से जुदा किया, दोनों के लाशें किनारे नदी पे फेंक दिए। ऐसे ही दोनों के लाशें नदी पे आए, दोनों ने एक दूसरे पे अपना हाथ रखा और दोनों फुरात पे जाने लगे। एक बीबी आगे कहने लगी, आ जाओ मेरे मुस्लिम के सफीर।